हिंदुस्तान विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। जबलपुर के अंबेडकर भवन तहसील चौक में गुडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन सिंह पोते के नेतृत्व में प्रदेश स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 25 मई को जबलपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन मानस भवन में आयोजित होना है। इस विषय में चर्चा हुई। अमन सिंह पोते ने बताया कि कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में गोडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम की उपस्थिति रहेगी एवं अपने विचार सभी लोगों के साथ रखेंगे। इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के प्रीतम सिंह उइके, बाजारी लाल यादव, राजेश उइके, सखावत खान, महेश कुमार पटी, प्रदेश संयोजक एवं सामाजिक चिंतक गोडवाना गणतंत्र पार्टी के उपस्थित रहे। बुलाया गया था कि आगामी 25 तारीख को हमारा मानस भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन होना, उसमें हमने सभी जो प्रदेश के पदाधिकारी कौन कौन क्या क्या भूमिका निभाई है, कैसे उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, उसमें अक्सर ढंग से हमें आज का जो बैठक बुलाया है कि आने वाला जो हमारे राज्य से लेकर के प्रदेश से लेकर के तमाम प्रकोष्ठ के जो आयोजन 25 तारीख को होना है, उसके लिए हमने अपने पदाधिकारियों को, प्रदेश पदाधिकारियों को बुलाया कि इस कार्यक्रम को किस ढंग से सफल बनाना। नाम बता दीजिए आपका। भगवान सिंह कौर के प्रदेश अध्यक्ष हमारा का। बोलिए, पूछिए ना। आज जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक 25 मई को जो है, एक हमारा बड़ा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का है, मानस भवन में हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसपे हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, संभागीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, ब्लॉक, जोन, सेक्टर और बूथ लेवल के जो पदाधिकारी हैं, जो 2023 की कमान संभालेंगे और 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक को जिताने में अपना जी जान लगाने वाले हैं, सभी कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा एक बड़ा संबोधन किया जाएगा। और उसी दिन जो है, जो वर्तमान सरकारें हैं, भाजपा और कांग्रेस, कहां कहां पे आज आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, जो ST SC OBC और माइनॉरिटी के हक अधिकार की बात होनी थी, उनको जो अधिकार मिलना था भारतीय संविधान के अनुसार, वो नहीं दिया गया। इसके बाद जो है, भारतीय संविधान के भाग एक में भारत अर्थात इंडिया कहा जाता है, जिसे विधायक भी है, सांसद भी है, मंत्री भी हैं और बहुत सारे ऐसे मध्य प्रदेश और भारत के लोग हैं जो हिंदुस्तान राष्ट्र की बात करते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर, भाग एक के आर्टिकल नंबर एक का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 19 जो बोलने की अभिव्यक्ति है, आज देख रहे हैं भाजपा सरकार इतनी दबंगाई तरीके से काम कर रही है, यदि जो उनके बुरे कारनामों को साबित सामने रखना चाहता है तो उसको तरह तरह के जो है जालसाज में फंसा कर जो है उनके साथ में अन्याय अत्याचार कर रही हैं। इसके साथ साथ जो हमारे देश की जो मीडिया है, मीडिया को भी स्वतंत्र तरीके से कार्य नहीं किया करने दिया जा रहा है, मीडिया भी जो है पूरी तरीके से जो है भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार पे जो है उनके जो गड़बड़ियां हैं उन गड़बड़ियों को भी उठाती है, तो उनके ऊपर में भी जो है प्रशासनिक प्रभाव पड़ रहा है, जिस पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सभी के साथ में एकजुट होकर संघर्ष करेगी और 2023 में विधायक जिताकर सभी के मान सम्मान में जो है उनके लिए काम करेगी। क्योंकि जी मध्य प्रदेश में देखिए, हम जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की सभी सीटों पे गोंडवाना लड़ेगी, लेकिन मुख्यतः 128 सीट ऐसी है हमारी जहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और जीत कर आएगी, जिसपे संभावित है कि मध्य प्रदेश में जब सरकार बनाने की बात आएगी तो बगैर गोंडवाना के मध्य प्रदेश में सरकार इस बार नहीं बनने वाली है। ये ऐसा हम जो है मध्य प्रदेश की जनता और यहाँ पे जो किए गए कार्य हैं उसके आधार पर ये सारा चीज़ दिख रहा है कि कांग्रेस और भाजपा, जैसे अभी आप कर्नाटक का चुनाव देखेंगे, जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने EBM पर सवाल खड़ा किया